रायपुर से बड़ी जानकारी, शिक्षा मंत्री की तरफ से ऐलान कि 25,000 स्कूलों को इंग्लिश मीडियम बनाने वाले हैं। एक साल में 33,000 शिक्षकों की पदों पर भर्ती, तमाम ऐसे ऐलान जो इसमें जुड़े हुए हैं। स्कूल शिक्षा मंत्री बृजमोहन अग्रवाल, इनकी तरफ से कहा गया है कि भ्रष्टाचार का गढ़ आत्मानंद स्कूल बन चुका है, जो कि कांग्रेस सरकार में शुरू हुआ है। पैसा खाने के लिए बनाया था आत्मानंद स्कूलों को, ये उनकी तरफ से सीधा वार। कह रहे हैं कि अपग्रेड करेंगे 25,000 स्कूलों को, इंग्लिश मीडियम बनाएंगे, एक साल में 33,000 शिक्षकों के पदों पर भर्ती। तो आत्मानंद स्कूल को भ्रष्टाचार का गढ़ बना लिया था कांग्रेस ने, ये उनकी तरफ से कहा जा रहा है। बृजमोहन अग्रवाल शिक्षा मंत्री के तौर पर पहला फैसला उनकी तरफ से, कठोर फैसला जो सीधे कांग्रेस सरकार पर निशाना साधता है। सहयोगी आकाश शुक्ला हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। आकाश, बहुत महत्वपूर्ण बात उनकी तरफ से कही है और सीधा वार कांग्रेस पर है। आकाश जी बिल्कुल, अभी सदन में ही घोषणा की शिक्षा मंत्री, स्कूल शिक्षा मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने कि 25,000 स्कूलों को इंग्लिश मीडियम बनाएंगे। इसके साथ ही बड़ी घोषणा ये है कि एक साल में 33,000 शिक्षकों के पद को भरे जाएंगे। सीधी बात थी, जो आत्मानंद स्कूल पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार ने खुद से भ्रष्टाचार का मामला उठा, अनियमितता का मामला उठा, बृजमोहन अग्रवाल ने सीधे तौर पर कहा है कि 251 स्कूल की मरम्मत के लिए 800 करोड़ रुपए खर्च कर दिए, लेकिन स्कूलों का उस तरीके से उन्नयन नहीं हुआ, जो शिक्षा को बढ़ावा दिया जाना था वो बढ़ावा नहीं दिया गया। ऐसे में स्कूली शिक्षा बिल्कुल ही चरमरा गई, निमित्ताएं चरम पर थी, लेकिन उसको बेहतर बनाने का कार्य जो है भाजपा की सरकार कर रही है और इस तरीके से बड़ी घोषणाएं जो है स्कूल शिक्षा मंत्री ने किया। इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि जो आत्मानंद स्कूल कलेक्टर के अंडर में चल रहे थे उसको स्कूल शिक्षा विभाग में फिर से लाया जाएगा और जो है बच्चों का भविष्य गढ़ा जाएगा। जी निश्चित तौर पर आकाश, कांग्रेस सरकार ने छत्तीसगढ़ में भी जो भी नवाचार किए, जो भी योजनाएं चलाई, जो भी नए कार्य किए, बीजेपी सरकार बनने के बाद बीजेपी के नेता उन योजनाओं में, उन कार्यों में लगातार भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहे हैं और इसमें भी यही देखने को मिला है। आकाश, बहुत धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए।